हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरे भरे आलू और आलू कचालू की रेसिपी भी इसको कह सकते हैं। ये बहुत ही इजी होती है। इसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। इसके इंग्रेडिएंट हैं पोटैटोज, हमारे 6 से 7-8 छोटे छोटे हमने ले लिए हैं। ये बॉयल्ड पोटैटोज हैं, उबले हैं आलू। ये एक कटोरी हमने हरा लहसुन लिया है। अगर आपको हरा लहसुन ना मिले तो आप जो नॉर्मल लहसुन होता है वो भी एक पूरी कली ले सकते हैं। ये है हमारे कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती, 2 ग्रीन चिलीज, 1 चुटकी हींग, 1/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टेबल स्पून जीरा क्यूमिन सीड, 1 से 2 चम्मच हमारे मस्टर्ड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार। अब हमें क्या करना है, एक अपना ब्लेंडर जार लेना है और उसमें हमें अपना ये हरे लहसुन जो है वो डाल लेना है। अगर आपको हरे लहसुन ना मिले तो आप उसमें जो नॉर्मल लहसुन होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये हरे भरे आलू हैं तो इसमें हरा लहसुन बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मिले तो आप यही लीजिए, अगर ये ना मिले तो आप नॉर्मल लहसुन भी ले सकते हैं। अब इसमें अपने कोरिएंडर लीव्स डाल लीजिए। ये अमचूर पाउडर भी इसी स्टेज पे हम डाल लेंगे। ग्रीन चिलीज। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, लगभग लगभग 1 कप पानी डाल देंगे और इसका हम ब्लेंडर को अपने इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। गीला पेस्ट हमें चाहिए, इसका गीला पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है जो हमने ग्राइंडर में अपने पीसा था। ये इसमें ये अच्छे से तैयार हो गया। अब हम पैन अपना गैस पे चढ़ा देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब इस पैन में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। ये जीरा हमारा तड़कने लगेगा, उसके बाद हम इसमें हींग डाल देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, इसमें कुछ भी हमको नहीं करना है। फिर हम इसमें अपने आलू डाल देंगे। ये आलू उबले हुए हैं तो ये झट से पक जाएंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पे लाल होने तक पका लेंगे। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट तक लाल होने के लिए छोड़ देना। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू लाल हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें लेके डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितना चटपट हमारी रेसिपी ये तैयार हो गई है। ये पहले बहुत ज़्यादा ही खाया जाता था एज ए स्नैक, बट आजकल ये कहीं खोती जा रही है ये रेसिपी। कितनी इजी है, कितनी इंस्टेंट है और कितना सेहतमंद भी है और झटपट तैयार हो जाती है। पहले हम लोग जब छोटे थे बचपन में तो इसको आलू कचालू के नाम से हरे भरे आलू खूब ये मिलते थे एज ए स्नैक। तो अब हमें फिर यही वापस ले आने हैं अपने हेल्दी स्नैक। इसमें 1 चम्मच हमने केवल ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है और इससे एक पंजेंसी आ जाती है, पंजेंट टेस्ट आता है, जैसा कि मैंने निमोने वाले अपने वीडियो में भी आपको बताया था। अब इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें इसका हरा कलर और वो जो तेज़पन आता है वो हमें बरकरार रखना है। देख रहे हैं धनिया हरी लहसुन से कितना अच्छा ग्रीन हरा कलर आ रहा है। अब हमें अपने नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देना है। कितना अच्छा है और कितना सेहतमंद भी है और झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं क्योंकि आलू उबले हुए रहते हैं, बस हमें आलू को लाल करना रहता है और ये फटाक से हमारी तैयार हो जाती है। बस 1 मिनट तक हमें और इसको चलाना। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है और ये हमारे आलू तैयार हैं। इसको हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, ये मसाला ऐसे ही रहेगा तभी इसका हरा रंग आएगा अच्छे से। बस अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसको निकाल लिया है। ये देख रहे हैं कितने अच्छे हमारे हरे भरे आलू ये दिख रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को या आप खुद इस स्नैक में इसको खाएं, ये बहुत ही सेहतमंद है। और हाँ, अगर आप इसको चाहें तो आप इसको रोटी के साथ भी खाते हैं, रोटी या दाल चावल के साथ भी, सब्जी की तरह भी खा सकते हैं।
लेकिन एज ए स्नैक तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, बाय।